America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं, क्या आपको ये मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताइए, उनका कान पे सुनाई दे, ये मंजूर है? देश से चलने देगा? आपको लूटने देगा? आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा? कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एकाध चीज होगी, तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है
मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है, आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधड़ने में टाइम खराब मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया, जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका चाहिए, ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं, आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है, ये आपको मंजूर है, जरा पूरी ताकत से बताइए, उनके कान पे सुनाई दे, ये मंजूर है, देश से चलने देगा, आपको लूटने देगा, आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।